हेल्थ इज वेल्थ। हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। सो फ्रेंड्स, जो पहला वीडियो डाला था वो इम्यूनिटी के बारे में था, और आपको शायद आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे है, पक्का उसको जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। सो 20% लोग जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है, और आपको अगर हेल्दी रहना है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। अगले 4 से 5 मिनट में मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ, प्लीज वो बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट। प्लीज अच्छे से नोट करना ये सब चीजें। अगर आपने ये डाइट फॉलो कर लिया ना, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर एंड बुक्स पढ़ा था, और ज्यादातर जो DIP डाइट है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर जी का है। तो सबसे पहले आपका वेट जितना भी है, सपोज 60 किलो है, तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो 600 किलोग्राम हो गया, करेक्ट। आपको 12 o'clock से पहले मॉर्निंग में जितने भी फ्रूट्स होते हैं, आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है, मैंगो, पाइनएप्पल, जो भी फ्रूट्स पसंद है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 600 ग्राम आपको 12 बजे से पहले खाना है, बहुत ज्यादा नहीं है। और एक चीज, आपको वेट मशीन लेना पड़ेगा। जो 600 ग्राम है ये आपको वेट करके लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज बनाना खाते हो तो बनाने का जो छिलका होता है वो निकाल के फिर केले को वेट करना है। तो 600 ग्राम बहुत ज्यादा नहीं है, आप आराम से खा सकते हो। पहले 1-2 दिन ज्यादा लगेगा, बट आराम से खा सकते हो। अब आते हैं लंच पे। लंच पे आपको 2 प्लेट लेनी है, 2 प्लेट। जो दूसरी प्लेट रहेगी, आप जो खाना चाहते हो सब खा सकते हो, रोटी, चावल, दाल, आपकी जो पसंद मनपसंद सब्जी रहेगी वो सारा सब कुछ खा सकते हो प्लेट 2 में। बट प्लेट 2 को हाथ लगाने से पहले प्लेट 1 में आपको आपका बॉडी वेट x5, फॉर एग्जाम्पल मेरा 60 था, x5 करूंगा तो 300 ग्राम होता है, करेक्ट। सो 300 ग्राम आपको रॉ वेजिटेबल्स खाने। रॉ वेजिटेबल्स मतलब कैरेट, टमाटर, रेडिश, जितने भी सब्जी आप कच्चे खा सकते हो वो सब खा सकते हो। कोई कोई आलू भी कच्चा खा लेता तो आप नहीं खा पाते, तो आलू थोड़ी ऐड करोगे। 350 ग्राम आपके प्लेट 1 में रहना चाहिए। आप सबसे पहले प्लेट 1 को खत्म करोगे, उसके बाद ही प्लेट 2 हाथ लगाना। उसके आप प्लेट 2 जितना खाना है खाओ, बट प्लेट 1 350 ग्राम कम से कम, मैं जो भी बोल रहा हूँ कम से कम, आप ज्यादा भी ले सकते हो। आपको अभी पता चलना चाहिए कि वेट कितना काम का होता है हमारे बॉडी के लिए। और ये सेम चीज जो मैंने अभी लंच में कहा, सेम आपको डिनर में फॉलो करना है। कोशिश करो आपका डिनर 8 o'clock से पहले हो जाए। ये जो मैंने DIP डाइट बताया ये बहुत जरूरी है। अगर जो लोग डायबिटीज पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, या फिर जो बीमार नहीं पड़ना चाहते, अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो जिनको बीमार नहीं पड़ना है, प्लीज फॉलो करो ये डाइट को। नंबर 2, 3-स्टेप डाइट। अभी ये डाइट उनके लिए जो बीमार पड़ जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, या फिर कोई भी फ्लू वायरस है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, डेंगू है, मलेरिया है, ये डाइट आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर देगा, वो भी 3 दिन में। 3 पार्ट पे बटा है। पहला है लिक्विड, दूसरा है फ्लूइड, तीसरा है सॉलिड। सो पहले दिन आपको लिक्विड ही लेना है। क्या लेना है? लिक्विड ही। आपका जितना भी बॉडी वेट है डिवाइडेड बाय 10 करो, डिवाइडेड बाय 10। फॉर एग्जाम्पल मेरा 60 था तो डिवाइडेड बाय 10 तो कितना हो गया? 6। तो आपको 6 ग्लास कोकोनट वाटर, 6 ग्लास ऑरेंज का जूस या फिर पाइनएप्पल का जूस जिसमें भी विटामिन सी मिलता है, ठीक है, 6 ग्लास आपको ग्राइंड करके जूस बनाना है। प्लीज उसको छानना नहीं है। तो 6-6, 12 ग्लास पूरे दिन भर में सिर्फ यही लेना है, पानी भी नहीं लेना है, ये 12 ग्लास ही लेना है। हर एक ग्लास कम से कम 400 ml का होना चाहिए, और एक ग्लास को पीने में ना कम से कम 15 या 20 मिनट लगा सकते हो, और लगाना भी। तो पूरे डे 1 में यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, नथिंग। डे 2, फ्लूइड। अभी जो आपका वेट 60 किलो था उसको अभी डिवाइडेड बाय 20 करना है, तो कितना आएगा? 3। सो अभी आपको 3 ग्लास कोकोनट वाटर, 3 ग्लास इसका संतरा या पाइनएप्पल का जूस, टोटल हो गया 6 ग्लास। ये 6 ग्लास आपको पूरे दिन भर में लेना है, बिना छाने, सिर्फ आपको ग्राइंड करके पी लेना है। सेम 15 से 20 मिनट लगाना है, बट आपको आज के दिन, दूसरे दिन लंच कर सकते हो। लंच में क्या खाना है ध्यान से सुनो भी। आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 60 × 5, दैट इज 300 ग्राम। सो 300 ग्राम का आधा करो, 150। सो आपको 150 ग्राम टमाटो का लेना है, 150 ग्राम कच्चे टमाटर खाना है, कच्चे, और 150 ग्राम ककड़ी कुकुम्बर ले खाना है। सो आपको ये लंच में खाना है, 2-3 बजे, 12 बजे जितना भी खा सकते हो। और जो 6 ग्लास, 3 ग्लास संतरे के और 3 ग्लास नारियल पानी के, ये आपका डे 2 का डाइट होगा। प्लीज इसको फॉलो करना, आजकल का जो वायरस है वो भी इसी से ठीक होने वाला है। डे 3, सॉलिड।
आपका जो बॉडी वेट है 60 डिवाइडेड बाय 30, अभी कितना हो गया, दो ग्लास। सो दो ग्लास नारियल का पानी, दो ग्लास संतरे का जूस, ये आपको चार ग्लास टोटल दिन भर में और लंच में। बॉडी वेट इंटू 300 का 150 ग्राम आपको टमाटर ककड़ी, और आप देखोगे शाम तक आप पूरी तरीके से ठीक रहोगे, चाहे आप बुखार से हो, चाहे डेंगू से हो, चाहे चिकनगुनिया से हो, चाहे जो भी आप फ्लू वायरस बोल सकते हो, वो सारा का सारा इस डाइट से ठीक हो जाता है। प्लीज सुनो और ये फॉलो करो। और डिनर में आप नॉर्मल अपना डाइट खा सकते हो, नॉर्मल रोटी चपाती सब्जी। नंबर 3, आपको अवॉइड क्या करना है, एनिमल प्रोटीन, अंडा, फिश, मटन, चिकन, जो आप खाते हो सब बंद, सबके सब। ओके, एनिमल प्रोटीन में और भी चीज आती है, दूध, दही, जितने भी मिठाई बनते दूध के, डेयरी प्रोडक्ट, सब सबके सब प्लीज अवॉइड करना, बिकॉज हमारे अंदर एक डेंटेटिक सेल होता है। जब भी हम एनिमल प्रोटीन खाते हैं हमारे डेंटेटिक सेल को बर्बाद करते हैं। डेंटेटिक सेल हमारे इम्यून सिस्टम का सिक्योरिटी गार्ड होता है। और एक चीज अवॉइड करना है, फैक्ट्री फूड आप जितना कम कर सको उतना कम करो, बहुत ऐसा मुश्किल है कम करना, बट कम कर सकते हो। फैक्ट्री मतलब जो भी फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के आया है, बिस्किट, ब्रेड, जो जो है वो सब। अभी आप ये मत सोचना कि सब बंद कर देने को बोला है मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आप नट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, लेग्यूम्स खा सकते हो। जिनको जिनको चाय की बहुत ज्यादा लत है, एक चाय की रेसिपी बता रहा हूँ, उसको हुंजा टी बोलते हैं, बहुत ही बेस्ट रहता है। प्री वर्कआउट ड्रिंक लेना चाहते हो तो ये गारंटेड ले सकते हो। सुनो इसकी रेसिपी, 4 कप हुंजा टी बनाना है, 4 जन को जितना पानी लगेगा उतना पैन में पानी ले लो, फिर 12 पुदीने के पत्ते, 8 तुलसी के पत्ते, 4 हरी इलायची, 2 ग्राम दालचीनी, 20 ग्राम गुड़, 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है अच्छे से, और लास्ट में आपका जब चाय हो जाएगा तब निकाल के आप नींबू ऐड करके सर्व कर सकते हो। बेस्ट प्री वर्कआउट एनर्जी, आप ये ट्राई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके ऊपर पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन है। सो पूरे हफ्ते में एक दिन चीट कर सकते हो। सो सपोज आपको मंडे से फिर सैटरडे तक वो फॉलो करना है, और संडे के दिन आप चीट कर सकते हो। संडे के दिन आपको जो पसंद है, चिकन, मटन, जो पीना है, जो खाना है, वड़ा पाव, भजिया पाव, जो खाना है वो सब खाओ, बट सिर्फ एक दिन, ठीक है। बाकी पूरे हफ्ते आपको वो फॉलो करना पड़ेगा अगर हेल्दी रहना चाहते हो। सो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम पानी पूरी भी खा सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं, बट एक ही दिन ना, याद रखना। अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो डीआईपी डाइट, अगर बीमार हुए हो तो 3-स्टेप डाइट फॉलो करो। जो चीज अवॉइड करने को बोला है वो अवॉइड करो, जो चीज एक्स्ट्रा में खा सकते हो वो भी बोला है। हाँ, नारियल की गिरिया भी खा सकते हो, नारियल की गिरिया, नारियल के टुकड़े, ये सब भी खा सकते हो। चौथी चीज जो हुंजा टी के बारे में बताया। सो दैट्स द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्प, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लगी, कुछ अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो जो भी चीज अच्छा लगा, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।